Hello everyone, good morning. This is Mamta Verma and I welcome all of you at my class, that is Literary Exam by Mamta Verma. So we were continuously doing the work of William Shakespeare as mentioned in the HPSC जो मेवात कैडर की जो वैकेंसीज निकली हैं पीजीटी. सो स्पेशली उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये जो क्लासेस हैं वो मैंने शुरू की है. तो हमने विलियम शेक्सपियर का जो वर्क कर रहे थे, हम स्टार्टिंग से दो क्लासेस हम विलियम शेक्सपियर पे कर चुके हैं. फर्स्ट में उसका इंट्रोडक्शन और उसके वर्क्स कैसे कॉमेडी ट्रेजेडी और जोनराज है उसमें डिवाइडेड किया था. फिर हमने विलियम शेक्सपियर की दो क्लासेस में हमने नेक्स्ट में हमने विलियम शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है हैमलेट एंड ओथेलो उनको डिटेल में एनालिसिस किया था, डिटेल एनालिसिस. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक द नेक्स्ट ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर दैट इज वेरी फेमस, दैट इज किंग लियर. किंग लियर, सो किंग लियर है उसका पब्लिकेशन जो ईयर है पब्लिश्ड इन 1608. ओके, सो किंग लियर इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर. सो मास्टर्स में जो ग्रेजुएशन होती है या मास्टर्स होती है इसमें ये ट्रेजेडी विलियम शेक्सपियर की अलग अलग यूनिवर्सिटी है उनमें अलग अलग जैसे सिलेबस मेंशन है. तो हर सिलेबस में जैसे यूनिवर्सिटी में एक ट्रेजेडी विलियम शेक्सपियर की होती है, कहीं मैकबेथ होता है तो कहीं किंग लियर मिलेगा आपको, कहीं हैमलेट मिलेगा मास्टर्स में या बैचलर्स में. ठीक है, तो मे बी आपने पढ़ा हो किंग लियर को, लेकिन यहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे ईच एंड एवरी फैक्ट एवरी इंफॉर्मेशन. ओके, और यहाँ से 100% किंग लियर क्योंकि एक ग्रेट ट्रेजेडी है शेक्सपियर की, तो यहाँ से 100% है ट्यूशन आने के चांस है. ठीक है, सो पहले हम इसका कैरेक्टर देख लेते हैं किंग लियर का. ठीक है, किंग लियर, किंग लियर है. ओके, सो ही इज द प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट. ओके, सो ही इज द किंग ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन का किंग है ये. ठीक है, सेकंड है अर्ल ऑफ केंट. ओके, जो इसका पर्सनल पीए असिस्टेंट बोल सकते हो, असिस्टेंट एंड लॉयल सर्वेंट. ओके, जो 24 आवर्स इसके साथ रहता है. ठीक है, लियर की ये इसका लॉयल सर्वेंट है. उसके बाद फूल है जो किंग्स लियर फूल है, जो कोर्ट में पहले फूल होते थे जो इंटरटेन करने के लिए. ठीक है, तो लियर्स फूल एंड ही इज आल्सो लॉयल फॉर किंग लियर. एंड नेक्स्ट है थ्री डॉटर ऑफ किंग लियर. नाउ वन मोर अर्ल ऑफ ग्लौसेस्टर, अर्ल ऑफ ग्लौसेस्टर. ओके, अर्ल ऑफ ग्लौसेस्टर इज आल्सो ए पोस्ट विच इज जस्ट लाइक अर्ल ऑफ केंट. ओके, वैसे ही अर्ल ऑफ ग्लौसेस्टर है. सो ये भी एक लॉयल पर्सन है जो किंग लियर की इस आर्मी में होता है और काफी सपोर्ट करता है किंग लियर को. ठीक है, नाउ थ्री डॉटर ऑफ किंग लियर. ओके, थ्री डॉटर ऑफ किंग लियर. सो जो बड़ी डॉटर है गोनीरिल. ओके, सबसे बड़ी वाली डॉटर है eldest daughter of Lear. Okay, second है Regan, second eldest daughter of King Lear, and third है Cordelia. Okay, Cordelia. So Cordelia is the youngest daughter of King Lear, youngest daughter. ठीक है, नाउ इनकी जो हस्बैंड है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. सो इसके हस्बैंड के नाम और लिख देते हैं यहाँ पे, जगह नहीं है यार. ठीक है, नाउ इसके हस्बैंड है गोरिनल का हस्बैंड है दैट इज ड्यूक ऑफ एल्बनी, एल्बनी का ड्यूक है. इनका नाम मेंशन नहीं कर रखा है, सिंपली यही दे रखा है कि ये एल्बनी का ड्यूक है. सेकंड है ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल, ये कॉर्नवॉल का ड्यूक है.
एंड कोर्डेलिया का जो हस्बैंड है दैट ही इज किंग ऑफ फ्रांस, किंग ऑफ फ्रांस. ओके सो ये जो गोनेरल का हस्बैंड है ही इज नॉट ही इज ए वेरी गुड और ऑनेस्ट पर्सन. ओके एंड ही ऑल्सो ऑब्जेक्ट्स अगेंस्ट द बैड एविल बैड रिएक्शन एंड बैड बिहेवियर ऑफ द गोनेरल टुवर्ड्स हिज फादर. तो ये कई बार इसने ऑब्जेक्शन भी किया है अपनी खुद की वाइफ का जो बैड बिहेवियर है उसके लिए. लेकिन रीगन और उसका जो हस्बैंड है दे बोथ आर बैड पर्सन. ओके इसका हस्बैंड भी इसी के साथ मिला हुआ है. नाउ कोर्डेलिया जो इसकी यंगेस्ट डॉटर है एंड किंग ऑफ फ्रांस इसका हस्बैंड है. ठीक है एंड ओस्वाल्ड वन कैरेक्टर मोर. ओके नाउ वन नॉट वन देर आर टू और थ्री कैरेक्टर remains. okay now Gloucester है. Gloucester इसके भी दो बेटे हैं. ठीक है son है. so इसका जो खुद का son है मतलब own son है Edgar. okay Edgar and Edmund his illegitimate son. illegitimate son होता है ये Edmund और ये एडगर होता है ये खुद का ही होता है. ठीक है इसके बाद ओस्वाल्ड होता है ये गोनेरल का एक लॉयल सर्वेंट होता है. ओके सर्वेंट ऑफ गोनेरल. ओके सो गोनेरल है इसका लॉयल सर्वेंट होता है ओस्वाल्ड. सो ये मेन करेक्टर थे इसमें जो कि इम्पोर्टेंट है इस ट्रेजेडी को इस स्टोरी को समझने के लिए क्योंकि जो स्टोरी है इन सभी के चारों तरफ घूमती है. सभी का इम्पोर्टेंट रोल है इसमें जो किंग लियर ट्रेजेडी है इसमें. ठीक है तो अब हम डिटेल में इसकी समरी इसकी जो एनालिसिस है वो करते हैं डिटेल में. ठीक है नाउ किंग लियर है नाउ किंग लियर हु इज द किंग ऑफ ब्रिटेन. द स्टोरी इज स्टार्ट फ्रॉम किंग लियर. नाउ ही बिकेम्स ओल्ड एंड ही डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल हिज किंगडम ऑल हिज पावर ऑल हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज थ्री डॉटर. ओके सो थ्री डॉटर इसकी है जो गोनेरल रीगन एंड कोर्डेलिया. तो उसने डिसाइड किया क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका है बूढ़ा हो चुका है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका किंगडम जो ब्रिटेन का राजा है. सो ब्रिटेन एक काफी बड़ा किंगडम है तो उसकी पावर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको संभालना. अब उसके क्योंकि वो बूढ़ा हो गया है तो उसके बस में नहीं है उसके कंट्रोल में नहीं है. और उसने डिसाइड किया कि वो अपना सारा जो किंगडम है अपना जो सारी पावर है अपना पैसा प्रॉपर्टी सब कुछ वो अपनी जो बेटियां हैं तीनों उसमें बराबर बराबर बांट देगा. ठीक है but he decided that he will give the largest share to one who will love him most who loves him most. तो उसने decide किया एक condition पे कि वो अपने kingdom का सबसे बड़ा share उसको देगा जो उससे सबसे ज़्यादा प्यार करती है उसने. okay तो उसने सभी जो दरबारी थे जो उसने announce किया पूरे ब्रिटेन में. okay और उसने court में announce किया that he is going to distribute all his kingdom among his three daughters. तो बहुत सारे राजा आस पड़ोस की कंट्री वाले सभी आए थे उसके जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था उस टाइम में ब्रिटेन का तो सभी राजा वहां आए थे. ठीक है तो उस टाइम में उसने क्या किया नाउ द गोनेरल इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ किंग लियर. गोनेरल एंड रीगन बोथ आर वेरी सेल्फिश डॉटर. ओके एंड इवन दे डज नॉट गिव रिस्पेक्ट टू किंग लियर बट दे यूज द फ्लैटरिंग वर्ड ओनली टू टेक द किंगडम ओनली टू टेक द पावर टू टेक द प्रॉपर्टी ऑफ द ब्रिटेन. सो व्हेन द किंग सेज दैट ही विल गिव द लार्जेस्ट एरिया ऑफ वन टू हु लव्स हिम मोस्ट तब उसने कहा अगर मुझसे जो सबसे ज्यादा प्यार करती है उसको मैं अपने किंगडम का सबसे ज्यादा एरिया दूंगा. ठीक है तो गोनेरल और रीगन है इन्होंने दोनों ने ही फ्लैटरिंग शुरू कर दी. इतना अच्छी लैंग्वेज में उन्हें चापलूसी करना शुरू कर दिया कि हम आपसे इतना प्यार करते हैं ऐसे करते हैं ये करेंगे वो करेंगे ये सब. ठीक है फ्लैटरिंग वर्ड यूज करना शुरू कर दिया. नाउ इट इज द ट्रेंड ऑफ द यंगेस्ट डॉटर कोर्डेलिया. नाउ कोर्डेलिया का नंबर आता है तो वो कहती है कि फर्स्टली सी रिफ्यूज टू टेक द किंगडम. ओके सी सेज नो माय लॉर्ड देन
देन सी सेज दैट देयर इज नो वर्ड टू डिफाइन माय लव ओके फॉर यू सो इफ आई लव यू नो मोर नो लेस ओके एंड आई विल रिजर्व माय हाफ लव टू माय फ्यूचर हस्बैंड. उसने कहा कि मेरे पास आपके प्यार को डिफाइन करने के लिए कोई वर्ड नहीं है, ना तो मैं आपसे ज्यादा प्यार करती हूँ ना आपसे कम प्यार करती हूँ. ठीक है, एक डॉटर को जितना कि अपने फादर से करना चाहिए उतना ही प्यार करती हूँ मैं आपसे, और ये एक और आधा मैं अपना लव है वो अपने फ्यूचर हस्बैंड जो भी मेरी जिंदगी में जो भी पर्सन आएगा उसके लिए मैं अपना आधा प्यार रिजर्व करती हूँ, मतलब आधा प्यार मैं उसको करूँगी. ठीक है, सो ऑन सेइंग दिस ओके किंग लियर फिल्ड विद रेज, किंग लियर को गुस्सा आ गया सुनते ही, क्योंकि किंग लियर था उसको स्टार्टिंग से ही फ्लटरिंग पसंद थी. तो फ्लटरिंग वर्ड की हमेशा कोई उसकी चापलूसी करे, उसकी प्रशंसा करे. ठीक है, सो ऐसे वर्ड किंग लियर को हमेशा से ही पसंद थे. जो तो उसने क्या किया, नाउ देयर इज द मेनी पर्सन देयर कैम इन टू द मीटिंग इन द कोर्ट ऑफ द किंग लियर. नाउ देयर इज ए पर्सन ओके ड्यूक ऑफ बर्गंडी ओके. वन मोर करेक्टर यू हैव टू रिमेम्बर, ड्यूक ऑफ बर्गंडी ओके, ड्यूक ऑफ बर्गंडी ओके. नाउ दिस पर्सन इज ऑल्सो केम इन टू द मीटिंग इन द कोर्ट ओके एंड ही इज द सूटर ऑफ कॉर्डेलिया, वो कॉर्डेलिया को पसंद करता है. ठीक है, नाउ इट इज द टाइम ऑफ द मैरिज ऑफ द कॉर्डेलिया, देन हिज देन द शूटर ओके ड्यूक ऑफ बर्गंडी ही रिफ्यूज टू गेट मैरिड विद कॉर्डेलिया because when he came to know about the distribution that all kingdom has been divided between his both sister then he refused to get married with Cordelia. तो वो सिर्फ Cordelia से इसलिए शादी कर रहा था, उसको इसलिए पसंद कर रहा था क्योंकि उसके पास ज्यादा property, उसका father था वो king था Britain का, तो इसलिए उसको कुछ kingdom मिलेगा, कुछ property मिलेगी. ठीक है, तो इसलिए वो Cordelia से शादी कर रहा था. लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि जो kingdom है उसका वो उसकी बड़ी जो बहन है उसमें divided कर दिया गया है, तो वो refuse कर देता है उस इसमें. ठीक है, now the king of France is also present there in the court and he is very impressed with the honesty of the Cordelia with the simple word okay. तो वो कॉर्डेलिया की जो ऑनेस्टी थी उसकी ईमानदारी से वो काफी इंप्रेस हुआ एंड ही इज रेडी टू गेट मैरिड विद कॉर्डेलिया एंड ही आल्सो गेट्स मैरिड ओके. नाउ किंग ऑफ फ्रांस है वो कॉर्डेलिया से शादी कर लेता है. नाउ कॉर्डेलिया एग्जिट फ्रॉम देयर विद द किंग ऑफ फ्रांस. नाउ व्हाट हैपेंड, नाउ किंग लियर रिमेन्स ओके एंड ही हैज ऑलरेडी डिवाइडेड ऑल हिज किंगडम बिटवीन हिज टू डॉटर्स. नाउ ही डिसाइडेड दैट ही विल लिव 100 नाइट्स विद हिमसेल्फ ओके. उसने डिसाइड किया कि वो 100 जो योद्धा है वो अपने पास अपनी सर्विस में रखेगा एज ए किंग, क्योंकि वो किंग है तो उसने अपनी लाइफ है वो काफी लग्जरी लाइफ उसने पहले स्पेंड की है, तो वो काफी सर्वेंट योद्धा जितने कुछ भी है, तो 100 नाइट एटलीस्ट ही विल रिमेन विद हिमसेल्फ ओके. एंड फर्स्ट ही डिसाइड दैट ही विल रिमेन ऑल्टरनेटिवली फर्स्ट ही विल रिमेन हिज एल्डेस्ट डॉटर गोनेरिल एंड देन ही विल रिमेन रिगन ओके. Then first he goes with the 100 knights at the house of Goneril. Now on seeing that his father comes with the 100 knights, then Goneril Goneril fills with rage, okay, and he tells his father that that what is the need of the 100 knights, okay? आपको 100 नाइट 100 योद्धा की जरूरत क्या है आपको, बिकॉज गोनेरिल हैव टू गिव द मनी एवरीथिंग टू रिमेन दिस 100 नाइट्स, तो उनका जो खर्चा था वो गोनेरिल को ही देना होता था, इसलिए उसने क्या किया, सो ही हैव द नाइट्स ओके. उसने नाइट्स को आधा कर दिया, 50 जो योद्धा है वो रखने के लिए उसने किंग लियर को बोला ओके. नाउ किंग लियर फिल्ड विद रेज, उस किंग लियर को गुस्सा आ गया ओके एंड ही सॉ द वेरी चेंजिंग बिहेवियर ऑफ गोनेरिल ओके. सी इज वेरी सेल्फिश, सी थिंक्स दैट एंड आल्सो द सर्वेंट ऑफ द गोनेरिल ओसवाल्ड, मैंने यहाँ लिखवाया आपको ओसवाल्ड ओके. ओसवाल्ड्स बिहेवियर इज आल्सो नॉट गुड टुवर्ड्स किंग लियर एंड हिज नाइट्स ओके. नाउ केंट ओके, just one thing I forgot here, at the time of distribution Kent, Earl of Kent is a object okay, तो वो King Lear को object बीच में रोकता है for his unfair distribution के लिए. ठीक है,
किंग है वो किंग लियर को उसके जो अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था दोनों बेटियों के बीच में, कॉर्डेलिया को नहीं दिया और दोनों को दे दिया, तो वो किंग को ऑब्जेक्ट करता है कि ये आपने अच्छा नहीं किया, ठीक है। तो किंग लियर गुस्से में आके केंट को निकाल देता है अपनी कंट्री से। नव केंट है उसने एक भेस बदल लिया, किसका, कैश का, ओके, कैश, सी ए आई यू एस, कैश, कैश का, ठीक है। तो केंट डिस्गाइज हिमसेल्फ एज ए कैश एंड ही रिटर्न बैक इनटू द ब्रिटेन एंड एज ए सर्वेंट ऑफ किंग लियर। तो वो केंट है वो अपना बेस एज ए कैश के रूप में बदल कर आता है वहां और किंग लियर के साथ एज ए सर्वेंट रहने लग जाता है गोनेरिल के घर में, ठीक है। न फूल केंट एंड किंग लियर थ्री पर्संस लिव्स एट द हाउस ऑफ गोनेरिल्स एंड नाउ गोनेरिल इज वेरी सेल्फिश पर्संस एंड ही डज नॉट गिव रिस्पेक्ट टू हिज फादर, ही थिंक्स दैट नाउ ही बिकम्स ओल्ड फूल, ओके, देन ही इग्नोर्स हिम टोटली, ओके। Now King Lear is very familiar with the behavior of Goneril, okay, and whenever Goneril is less than 50 nights, then filled with the rage, King Lear leaves the house of Goneril and he goes to the at the house of Regan. Now जब उसका जो 50 नाइट गोनेरिल के द्वारा कम कर दिए जाते हैं तो किंग लियर को गुस्सा आ जाता है और वो उसका घर, उसके घर से वहां से निकल के रीगन उसकी जो सेकंड बीच वाली डॉटर है उसके घर में रहने चला जाता है, ठीक है। नाउ रीगन इज आल्सो लाइक सेम इन द नेचर इन द बिहेवियर, सी इज आल्सो सेल्फिश पर्सन, ओके। सो बोथ द सिस्टर इज यू नो टॉकिंग टू ईच अदर्स दैट नाउ हिज फादर हैज बिकम्स ओल्ड, ही इज फुल एंड ही इज नाउ ऑफ नो यूज, ओके। सो रीगन इज आल्सो बिहेव लाइक द सेम हिज एल्डर सिस्टर डिड गोनेरिल, एज अ गोनेरिल ने किया था वैसा ही बिहेव रीगन करती है, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड, नाउ रीगन किंग लियर ऑब्जेक्ट, सॉरी, जो केंट है ऑब्जेक्ट्स टू द सर्वेंट ऑफ द गोनेरिल ओसवर्ल्ड अबाउट द जो अनफेमिलियर बिहेव है ओसवर्ल्ड का किंग लियर के प्रति जो उसने अपने घर पे किया था, ठीक है। तो उसके लिए वो उसको ओसवर्ल्ड को डांटता है। तो क्या होता है फिर, जो रीगन होती है उसका हस्बैंड होता है वो केंट को वहाँ के एक स्टोर में बंद कर देते हैं दोनों को, ठीक है। तो जब किंग लियर को पता चलता है तो वो क्या करता है, वहाँ से भी निकल जाता है, ठीक है। नाउ ही टोटली बिकेम्स मैड, ओके, ही नो द रियल नेचर, नाउ ही टोटली फेमिलियर विद द रियल नेचर ऑफ देयर बोथ डॉटर दैट दे आर टोटली ग्रेडी एंड दे आर यूजिंग द फ्लैटरिंग लैंग्वेज ओनली टू टेक द किंगडम, ओनली टू टेक द पावर एंड प्रॉपर्टी, ओके। सो किंग लियर नाउ इज वेरी बिकेम्स मेड एंड फ्रस्ट्रेटेड एंड ही लिव्स द हाउस ऑफ द रीगन्स एंड गोज टू द जंगल टू मूव हेयर एंड देयर, ओके, देन ही मीट देयर इन द एडगर, ओके। नाउ देयर इज द ग्लाउसेस्टर सन, यू नो, एडगर एंड एडमन, ओके। नाउ व्हाट इज देयर स्टोरी, नाउ एडगर इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन, ही इज ए गुड पर्सन, बट एडमन इज रेजिमेंट सिन, ही ऑलवेज प्रोवोक्ड हिज फादर टुवर्ड्स एडगर दैट, ओके, वो हमेशा जो इसका इलेजिमेट सन है वो ग्लाउसेस्टर को एडगर के प्रति हमेशा बढ़ाता रहता है कि इसने मुझ पे अटैक कर दिया, इसने ये प्रॉपर्टी सब लेने की कोशिश कर रहा है ये सब। तो क्या करता है ग्लाउसेस्टर है गुस्से में आके अपने खुद के बेटे को निकाल देता है, ठीक है, इसकी खुद के बेटे को निकाल देता है। नाउ एडगर है टॉम ओ बेडलम, अब एडगर है वो भी वहां से निकल जाता है, वो अपना बेस कैसा बना लेता है, टॉम ओ बेडलम, ओके, ये जो इसका डिस्गाइज रूप है इसका नाम है। नाउ एडगर भी वो भी काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब उसका खुद का फादर उसको घर से निकाल देता है इलेजिमेट सन एडमंड के कहने पे, तो वो जाके जंगल में रहने लग जाता है एक झोपड़ी में खुद की में और अपना जो भेस है बिल्कुल पागल की तरह ये भेस बना लेता है और जो टॉम ओ बेडलम है इसका रियल नेम जो डिस्गाइज रूप है इसका वो। तो क्या करता है किंग लियर वहां जाता है, केंट भी उसके पीछे जाता है, ठीक है, जंगल में फूल उसके पीछे जाते हैं सब दोनों, बिकॉज दे आर बोथ आर लॉयल पर्सन, दे आर टोटली यू नो डेडिकेटेड टू द किंग लियर इन द सर्विस ऑफ द किंग लियर, ओके। सो बोथ गोज आफ्टर देयर मास्टर्स किंग लियर एंड दे थ्री पर्सन गोज इन द
center of Edgar. They find that Edgar is also there, and Edgar also tells his story that how his father is banished him from there. Okay, now what happened? Now what happened that Goneril, who is slowly attracted toward Edmund. Okay, Edmund ke pati Goneril hai, jo uski badi beti hai, वो उसके पति थोड़ा अट्रैक्टेड होने लगती है, क्योंकि ये है बहुत ही सेल्फिश पर्सन है, ठीक है, लेकिन ये अट्रैक्टिव था, इसकी फिजिक्स अच्छी थी. तो ये क्या करती है, ये एक लेटर लिख के देती है अपने जो सर्वेंट होता है ओसवर्ड को. ओके, एंड ही राइट्स इन द लेटर दैट एल्बनी शुड बी किल्ड एंड ही वुड लाइक टू बी हिज वाइफ. ओके, ही वुड लाइक टू बी वाइफ ऑफ एडमन. उसमें लेटर में लिखा कि अल्बनी जो उसका हस्बैंड है उसको मार दिया जाए, क्योंकि अल्बनी एक ऐसा पर्सन है जो उनकी जो एविल इंटेंशन है उसमें वो बिल्कुल भी शामिल नहीं है, ठीक है. वो अपनी जो वाइफ है उसको कई बार उसको ऑब्जेक्शन करता है उसके अगेंस्ट कि उसका बिहेव कैसा है उसके फादर के लिए. तो अल्बनी इन सब में शामिल नहीं है, इसीलिए वो उसको पसंद भी नहीं करती, ठीक है. और वो एडमंड से काफी अट्रैक्टिव भी है, उसकी फिजिक्स, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है एडमंड का, बॉडी शोडी सब बहुत अच्छी है, तो वो काफी इम्प्रेस है उसे. तो वो लेटर लिख के देती है ओसवर्ड को, और सी ऑल्सो सेज ओसवर्ड दैट ग्लौसेस्टर शुड बी किल्ड. ओके, नाउ ग्लौसेस्टर है वो भी पागल हो जाता है. क्यों हो जाता है, क्योंकि जो एडगर के जाने के बाद जो एडमंड का बिहेव था वो भी सेम ही था जैसे कि किंग लेयर की जो डॉटर्स है वो अपने फादर के साथ कर रही थी, ऐसा ही बिहेव एडमंड अपने फादर के साथ कर रहा था. तो देन व्हेन ग्लौसेस्टर केम टू नो द रियलिटी अबाउट द एडमंड, ही ऑल्सो लिव्स द हाउस, ही बिकेम्स मैड, ही बिहेव लाइक ए मैड पर्सन एंड ही ऑल्सो गोज इन टू द जंगल्स. ओके, तो वहाँ क्या होता है कि जो ओसवर्ड होता है उसको रीगन भेजती है कि ग्लौसेस्टर को मार दिया जाए, ठीक है, और ये लेटर है वो एडमंड तक पहुंचा दिया जाए, ठीक है. नब क्या होता है कि जो ग्लौसेस्टर है वो भी अपने जंगल में जाता हो, अनफॉर्चुनेटली एडगर से मिलता है वहाँ, लेकिन वो एडगर को पहचान नहीं पाता, क्योंकि जो ग्लौसेस्टर है वो उसकी दोनों आंखें हैं, वो जो एडमंड और गोनीरिल है इनके द्वारा दोनों आंखों को फोड़ दिया गया इनकी, ठीक है, और उसको जंगल में छोड़ दिया गया उसकी आंखें फोड़ने के बाद. तो जब वो बिल्कुल अंधा जंगल में इधर उधर भटक रहा था तो वहां पे वो एडगर से टकराता है उसी सेल्टन में, ठीक है. नाउ एडगर नोज दैट ही इज माय फादर, बट ग्लौसेस्टर डज नॉट नो बिकॉज ही बिकेम्स टोटली ब्लाइंड. ओके, एंड ही कुड नॉट सी ईच एनीथिंग, सो ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिज सन एडगर, बट स्लोली आफ्टर एडगर टेल्स हिम दैट ही नोज एवरीथिंग. ओके, एंड इन द हैप्पीनेस दैट एडगर इज अलाइव ही डाइज सडनली. ओके, तो इस खुशी में कि उसका जो रियल सन है वो अभी अलाइव है, इसी खुशी में उस तो पागल हो गया तो वो एडगर है वो वहीं पे मर जाता है, ठीक है. तब क्या होता है, इट केम्स टू नो बाय द केंट दैट द फ्रांस आर्मी इज लैंडेड इनटू द ब्रिटेन टू रिस्टोर द किंग लियर टू हिज क्राउन. ओके, तो ये पता चला कि जो फ्रांस की आर्मी है दैट इज लीड बाय द हिज यंगेस्ट डॉटर कॉर्डेलिया, क्योंकि जो फ्रांस का राजा था उसी की वाइफ है कॉर्डेलिया. तो जो फ्रांस है वो फिर से इंग्लैंड में आ रहा है, ब्रिटेन में आ रहा था उस टाइम में, और किंग को दोबारा से राजा बनाने के लिए आ रहा था. तो ये जब पता चला एडमंड को और गोनेरिल को पता चला ये बात, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सो दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द वार. ओके, दे बोथ आर प्रिपेयरिंग फॉर द वार. ओके, सो इन द वार व्हाट हैपेंड, फर्स्ट इन द वार द हस्बैंड ऑफ रीगन इज किल्ड इन द वार. जो हस्बैंड है रीगन का वो वार में मारा जाता है. Now Regan is prepared to get married with Edmund. So Regan also attracted होती है Edmund के लिए, ठीक है. One comes to know about the marriage of the Edmund and Regan that Regan is going to get married with Edmund. Now Goneril what did? Goneril gives the poison to his sister. Okay, Goneril है वो अपने sister को poison दे देती है. So she also dies there. Now Goneril is ready, is free to get married, but now his husband is also alive there. Okay, now what happened in the fight? King Lear and Kent is taken by his youngest daughter Cordelia, and King Lear feels very guilt, very shame
to face his daughter, that what he has done with her. Okay, but Cordelia is very clever, is very, you know, obedient daughter, so he does not mind anything else and he serves his father. Okay, but unfortunately in the war Britain defeated the French. Okay, so war mein kya hota hai ki jo Britain hai wo French ko hara deta hai. Ab जस्ट आफ्टर द डिफीट, ओके, जैसे ही फ्रांस हार जाता है तो कॉर्डेलिया और किंग लियर एंड केंट ऑल्सो, ओके, सभी को बंदी बना लिया जाता है. एडमंड और गोनेरिल के जो एग्जीक्यूशनर होते हैं, जो सोल्जर होते हैं, उनके द्वारा, ठीक है, और उनको काफी टॉर्चर किया जा रहा है उधर, ठीक है. इधर क्या पता चलता है कि जो एडगर होता है ना, ओके, नाउ एडगर कम्स देयर एंड ही गिव्स द लेटर which is written by his own wife, okay, that Albany should be killed and he would like to be the wife of Edmund. That letter he gives to the husband of Goneril. He gives the same letter to the Albany. Now Albany exposes everything before Goneril and in the same Goneril accepts there and stabbed himself. ओके, जब गोनेरिल को ये पता चलता है तो कि उसके हस्बैंड ने उसका लिखा हुआ जो लेटर है वो पढ़ लिया, तो वहां से वो चली जाती है और अपने आप को सुसाइड कर लेती है, ठीक है, शराब और गिल्टी से. उसके बाद क्या होता है कि ये पता चलता है कि जो एडमंड और नव, देयर इज अ ड्यूल बिटवीन एडमंड और एडगर. ओके, नव दोनों भाई जो है, सन ऑफ द ग्लौसेस्टर एडगर एंड एडवर्ड, सो देयर इज अ फाइट बिटवीन बोथ ऑफ देम. ओके, सो इन द फाइट एडगर किल्स द एडमंड को एडगर मार देता है, ठीक है. नाउ हु रिमेंस देयर एट द एंड, ओनली 3%. नाउ इन द अदर साइड द किंग लियर एंड हिज डॉटर कॉर्डेलिया इज ऑल्सो डाइड बाई द एग्जीक्यूशनर बिकॉज इट इज टू लेट फॉर द एडगर टू सेव देम बिकॉज ही वॉज फाइटिंग विद द एडमंड. तो ग्लौसेस्टर और अल्बनी है वो काफी लेट हो गए थे कि उन दोनों को बचा सके. जब तक वो वहां पहुंचे, वो जो एग्जीक्यूशनर है एडमंड के और गोनेरिल के, वो उन दोनों बाप बेटी को मार देते हैं, ठीक है. अब लास्ट में कौन बचा? लास्ट में देयर रिमेन्स ओनली 3 कैरेक्टर, एडगर रह गया, एल्बनी एंड केंट. ओके, देयर इज ओनली 3% हु रिमेन अलाइव. ओके, एट द एंड, at the end of the play 3% remain alive. Now what happened, you know that Albany is also a good person from the starting of the play, Kent is also very loyal and Edgar is also a good person. Okay, now what Albany says, now Albany says to the Kent that you should take the throne of Britain. तो अल्बनी ने केंट को बोला कि आपको इंग्लैंड का थ्रोन, आपको इंग्लैंड सॉरी ब्रिटेन की जो राजगद्दी है उसको संभालना चाहिए, आपको राजा बनना चाहिए. बट केंट कहता है कि माई मास्टर इज वेटिंग फॉर मी इन द जर्नी, आई हैव टू गो. ओके, माई मास्टर, तो ये लास्ट वर्ड थे केंट के, वो कहता है कि मेरा जो मास्टर है वो मेरा वेट कर रहा है अपनी जर्नी में, तो मुझे जाना होगा. एंड लास्ट में जो किंग बनता है ब्रिटेन का, दैट इज एडगर. ओके, सो एडगर और एल्बनी बोथ रिमेन इन द ब्रिटेन. ओके, और एडगर बिकेम्स द किंग ऑफ ब्रिटेन लास्ट. ओके, और एल्बनी भी इसी के साथ रहता है. तो ये था स्टोरी किंग लेयर की, एंड आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी फैक्ट, ईच एंड एवरी जो एनालिसिस था उसको मैंने एक भी कॉन्सेप्ट यहाँ मिस नहीं किया है. जो इम्पोर्टेंट था मैंने सब कुछ बताया है, सब कुछ, एक भी कैरेक्टर मिस नहीं हुआ है. अगर आप इसको सुनने के बाद, आपको इन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपको कहीं से भी, अगर आप ये क्लासेस अटेंड करोगे तो उसके बाद आपका किंग लियर से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा. मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपको, क्योंकि मैंने यहाँ ईच एंड एवरी इंसिडेंट और फैक्ट को यहाँ आपके सामने एक्सप्लेन किया है, और कैरेक्टर भी, ईच एंड एवरी कैरेक्टर आई हैव टोल्ड यू हियर अबाउट देयर इंट्रोडक्शन. ओके, इसका पब्लिकेशन इंपॉर्टेंट है किंग लियर का. एंड नाउ लास्ट वन थिंग रिमेन, ठीक है. सो एज फ्लाइज टू द वॉन्टन, एक जो स्टेटमेंट है जो एग्जाम में दो बार पूछी गई है, मैं आपको लिख के बता देती हूँ, ठीक है. ये किंग लियर की स्टेटमेंट है,
जो एग्जाम में दो बार आ गई है, ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। किंग लियर बोलता है एज फ्लाइज टू द वॉन्टन बॉयज, एज फ्लाइज टू द एज फ्लाइज टू द वॉन्टन बॉय, जस्ट वन मिनट, एज फ्लाइज टू द वॉन्टन बॉयज वी आर टू द गॉड, वी आर to the god, they kill us for their sport, they kill us for their sport, okay. So that is the statement taken from King Lear, and it is also spoken by King Lear, okay. King Lear के द्वारा ये बोली गई है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। और ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जाम में भी दो बार आ चुकी है, तो आपको ये सिर्फ एक बार ध्यान में रखना है, इसके एक्सप्लेनेशन जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको दो तीन बार अगर आप इसको रिमाइंड करोगे तो आपकी याद हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट किंग लियर, ओके। इसका डिटेल एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन था ये किंग लियर का, गाइस। और मैंने जितने भी, क्योंकि अभी एचपीएससी का जो एग्जाम है वो मे बी लास्ट अगस्त तक हो, तो उसमें जो शेक्सपियर के वर्क दे रखे हैं उसमें मैं सिर्फ आपको वो करूँगी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो जिनसे पी वाई क्यूज क्वेश्चन आ चुके हैं या आने की चांसेस हैं, जो बहुत फेमस है, वही वर्क हम यहाँ किंग लियर का डिस्कस करेंगे, ठीक है।